लोकसभा के अंतिम चरण के चुनाव 19 मई रविवार को संपन्न होना है, इसको लेकर कलेक्टर ने बैठक लेकर सारी जानकारियां दी। लोकसभा आम चुनाव हेतु मतदान रविवार 19 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। शनिवार को प्रातः मतदान दलों को सामग्री वितरण शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में विधानसभावार बनाए गए स्थलों पर की जाएंगी। मतदान सामग्री वितरण पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है, इससे कम समय में मतदान दलों को सामग्री वितरित हो सकेगी। मतदान सामग्री वितरण एवं मतदान उपरांत जमा कराने के लिए वितरण एवं प्राप्ति स्थल पर प्रत्येक मतदान दल के लिए पृथक पृथक कुल 1814 टेबल लगाए गए हैं। शनिवार को प्रातः 5 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान दलों को ईवीएम वितरण हेतु विधानसभावार स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। इस अवसर पर प्रेक्षक, कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित विधानसभावार के एआरओ के साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। शनिवार को प्रातः 7:30 बजे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलोट में भी मतदान दलों को ईवीएम तथा मतदान सामग्री वितरित की जाएगी। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने हैं वो सब हमने जारी कर दिए हैं, चाहे वो प्री सर्टिफिकेशन को लेकर हो, जो प्रिंट मीडिया में जो भी ऐड निकल रहे हैं, चाहे वो हमारे 144 के ऑर्डर्स हों, वो सारे ऑर्डर उन्होंने जारी कर दिए हैं, चाहे वो कैंपेनिंग को लेकर हो, चाहे वो व्हीकल को लेकर हो। व्हीकल को लेकर भी जो लिमिट्स निर्धारित की गई हैं वो कैंडिडेट्स को ग्रुप पे की जा चुकी हैं और उसको ऑर्डर में उल्लेख किया जा चुका है। और इसके अलावा जो आज 6 बजे से प्रचार का जो कार्यक्रम है वो थम जाना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सभी कैंडिडेट्स को ब्रीफ कर दिया है और उस पर हमारी सतत नजर रहेगी। जो हमारे सभी मतदान केंद्र होते हैं उसमें उनको क्लासिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है क्रिटिकल और सामान्य के रूप में। जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स होते हैं उस पर जो बाहर से प्राप्त CAPF का बल होता है उसको लगाया जाता है, हाफ सेक्शन प्रति बूथ के हिसाब से वहाँ पे लगाया जाता है जो क्रिटिकल बूथ होते हैं। साथ ही जो अन्य बूथ हैं उस पे जिला बल, होमगार्ड तथा SPOs का उपयोग हम करते हैं।